तो यहाँ पर अभी हम जाके फीस रजिस्टर का मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले क्रिएट किया टेबल, और टेबल का हमने नाम रखा कंट्रोल एस करके पी रजिस्टर। ये मैंने मैग्नीफायर खोला हुआ है, इसलिए स्क्रीन थोड़ी सी आगे पीछे मूवमेंट में रहेगी। ओके करते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले से एक टेबल मौजूद है फी रजिस्टर के नाम से। ओके चले, पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से बना लेते हैं। मौजूद है, इसको डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, टेबल बना लेते हैं और कंट्रोल एस करके फिर से सेव करते हैं फी रजिस्टर के नाम से। सेव हो गया टेबल। टेबल पर राइट बटन दबाते हैं, राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट नंबर, ऑटो नंबर रखेंगे इसकी टाइप को। तो मैं बता रहा था जब आप डेटा टाइप यहाँ पे ऑटो नंबर रखते हैं तो नीचे आपको कुछ जनरल में ऑप्शंस नजर आते हैं, ये हर फील्ड से रिलेटेड नजर आएंगे। इसमें कह रहा है फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इसके अंदर, सी में भी पढ़ा था, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा था, एक इंटीजर वेरिएबल होता है, एक लॉन्ग इंटीजर होता है। सी में हमने पढ़ा था कि जो इंटीजर वेरिएबल होता है उसमें 32,667 पॉजिटिव और 32,668 नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकता है, इससे बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। सी प्लस प्लस एडवांस था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंटीजर होता है वो 2 करोड़ तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, यानी कि 2 पावर 8, और जो लॉन्ग इंटीजर होता है उसके अंदर वो 2 पावर तकरीबन 38 या इस तरह से कुछ इतनी बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्ग इंटीजर है, मतलब 2 करोड़ तक के तो रिकॉर्ड ये स्टोर कर लेगा। यानी कि जैसे नंबर शुरू होंगे रसीद नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे 2 करोड़ समथिंग वैल्यूज जाएगी तो वहाँ तक का ये डेटा इसकी फील्ड का साइज इतना बड़ा ये स्टोर कर लेगा। देखिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने में और इसमें सॉफ्टवेयर बने बनाए सॉफ्टवेयर बनाने में ये फ़र्क है कि देखिए ये हैवी इसलिए है कि इसके अंदर पहले ही इतनी बड़ी फील्ड दे दी है, या आपको इससे बड़ी फील्ड चाहिए थी तो अभी उसके अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये कि इन्होंने ये ऑप्शन आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यूज में लिखा है इंक्रीमेंट, मतलब ऑटो नंबर की फील्ड में जब भी नया रिकॉर्ड आएगा तो वो इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे एक नंबर और भी आ रहा है रेंडम, मतलब जैसे इंक्रीमेंट क्या होगा, स्टार्ट विथ A1, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स चलता जाएगा, लेकिन रेंडम कर देंगे तो ये कोई भी नंबर जनरेट करेगा। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है जहाँ रेंडम नंबर जनरेट कराना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है और उसके बाद सिस्टम से एक नंबर जनरेट करा रहे हैं और वो नंबर रेंडम होना चाहिए क्योंकि सीक्वेंस होगा तो वो लीक हो सकता है, तो वो रेंडम नंबर यहाँ से जनरेट करा के दे सकते हैं। इस सिचुएशन में हमने इसको इंक्रीमेंट पे ही रखना है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन। फॉर्मेट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेट का क्या सीन है, तो कह रहा है भाई देखो आपने एक्सेल में सीखे थे जनरल नंबर फॉर्मेट जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और पॉइंट वाली वैल्यूज को भी ये डिस्प्ले करेगा। दूसरा है करेंसी वैल्यूज, कैश करेंसी के टाइटल के साथ डिस्प्ले करेगा, यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंट, साइंटिफिक, अगर इस तरह से फॉर्मेट में वैल्यू दिखाने नंबर्स को तो दिखा सकते हैं। अभी इसमें भी हमारा कोई काम नहीं। कैप्शन, इस फील्ड का नाम जो भी आपने रखा है जैसे रिसिप्ट नंबर लिखा है, ये इसकी फील्ड नेम है। डेटाबेस में प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें ये फील्ड नेम चाहिए होगा एक्सेस करने के लिए, लेकिन हम यूजर को कोई और नाम दिखाना चाहते हैं जैसे रसीद नंबर, जैसे फी रिसिप्ट नंबर, तो वो ये इसका एक तरह से टेम्पररी नेम होगा लेकिन रियल नेम यही रहेगा, पर यूजर को वो नाम नजर आएगा जो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बहरहाल ये समझा रहा हूँ। इंडेक्स, यस, नो डुप्लीकेट्स, यहाँ पे 2 फीचर्स है। अगर आप इसको करेंगे यस नो डुप्लीकेट्स बाय डिफॉल्ट है और यस डुप्लीकेट ओके, और यहाँ पे एक नो है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स का मतलब यानी कि डेटा को एक ऑर्डर में रखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्स हमने पढ़ा था एरे के अंदर, तो ये कह रहा है कि एरे की तरह एक इंडेक्स बनाओ, हर नए रिकॉर्ड को नए इंडेक्स में डालो। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं बनाएंगे और इंडेक्स बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए डेटा अलग अलग वेरिएबल में हो जाएगा स्टोर तो सॉर्टिंग नहीं हो सकती उसके ऊपर, लेकिन अगर आप उसको एरे में स्टोर करेंगे तो इजी है सॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस डुप्लीकेट भी और नो डुप्लीकेट भी है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में अगर इस फील्ड में कोई नंबर दोबारा से ऐड किया जाए और वो पहले मौजूद था तो नो डुप्लीकेट में वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यस डुप्लीकेट में एक्सेप्ट करेगा। टेक्स्ट अलाइन, जो नंबर नजर आ रहा है बेसिकली वो आपको तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर या डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा फैला हुआ नजर आए,
ये यहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो फील्ड के हवाले से। तो फिलहाल अभी हमने रिसिप्ट नंबर के नाम की एक फील्ड बनाई है और इसको यहाँ पे रख दिया। अब जरूरी चीजें ये होती है, रिसिप्ट नंबर होता है, दूसरा किस डेट पे ये फीस पे की जा रही है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं RECEPT, डेट ऑफ रिसीविंग, CEIVING, डेट ऑफ रिसीविंग। इस तरह से आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में आके आप इस डेट ऑफ रिसीविंग में आप क्या लिखेंगे, डेट टाइम, डेट टाइप पे रखेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लिया, अगर आप डेट टाइम पे इसको रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। कुछ तो वो ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इनपुट मास्क लगा सकते हैं। इनपुट मास्क काम की चीज है, जैसे कि कोई भी शख्स कोई भी डेटा डाल रहा है तो आप उसको इनपुट मास्क के जरिए रूल बना सकते हैं कि भाई इसी फॉर्मेट में डालो। जैसे कहीं पे फील्ड के ऊपर आप देखते हैं NIC नंबर में डैश पहले से लगे हुए होते हैं, मोबाइल नंबर में डैश पहले से लगे हुए होते हैं, और कहीं पे आप डायरेक्टली लिख रहे होते हैं तो वो जो डैश लगे हुए होते हैं वो इनपुट मास्क के जरिए हम इस पे कंप्लीट कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं, ये वाली फील्ड भी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड नो और यस। जिस भी फील्ड को आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड को यस कर देंगे, इट मींस कि जब तक उसके अंदर डेटा नहीं डालेंगे डेटा सेव भी नहीं होगा और अगला रिकॉर्ड ऐड भी नहीं होगा और वो रिकॉर्ड भी सेव नहीं होगा। तो ये जहन में रखना है कि किस फील्ड को आपने रिक्वायर्ड करना, जिसको नहीं करना। और अगर इस फील्ड को भी इंडेक्स के हिसाब से, इसके हिसाब से इंडेक्स बनाना तो इसको यस कर दें। ओके, टेक्स्ट अलाइन शो डेट पिकर, अच्छा डेट पिकर दिखाए फॉर डेट्स और इसमें ऑप्शन है नहीं दिखाए। अगर आप नेवर करेंगे तो फिर डेट लिखनी पड़ेगी, और अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो डेट क्लिक करके चूज कर लेंगे आप, ठीक है। ये ऑप्शन देखिएगा, डेट ऑफ रिसीविंग आ गया हमारे पास, और उसके बाद क्या होता है भाई, किस तारीख को मिली, फिर नाम। तो अब कोई दे रहा है तो स्टूडेंट नेम, एसटीडी नेम करके मैंने यहाँ पे लिख दी। लेकिन इससे पहले भी आपको एक चाहिए होगा स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है ना, कि उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। और इसके लिए आपने टाइप नंबर रख दी और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम चाहिए होगा आपको, उसका नाम क्या है, ठीक है, और उसके अब्बू जी का क्या नाम है, ठीक है, स्टूडेंट या फादर से भी लिख दे दो, फादर्स नेम, ठीक है, ये दो चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, अब किस कोर्स में, क्लास में वो एडमिटेड है, या कि कोर्स है अगर एक इंस्टीट्यूशन से या क्लास का सेक्शन रखा है तो क्लास और जिसमें वो एडमिटेड है इन, ठीक है, जिस क्लास में वो एडमिटेड है। और फिर क्या लिखा जाएगा, अगर उसका सेक्शन वगैरह भी है तो वो भी लिखेंगे, लेकिन अभी सेक्शन तो हमने अपने डेटाबेस में ऐड ही नहीं किया, सेक्शन की फील्ड रही हुई है तो नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड करा देंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वो जो फीस पे कर रहा है, फी टाइप, फी टाइप या फी नेचर भी लिख सकते हैं, फी नेचर या फी टाइप, मतलब वो जो फी अमाउंट पे की जा रही है वो किस मंथ में पे की जा रही है, वो एडमिशन फीस है, मंथली फीस है, इनरोलमेंट की फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, सर्टिफिकेट की फीस है, व्हाटएवर किस तरह की फीस है वो उसमें बताया जाएगा। तो फी नेचर भी आपने यहाँ बतानी है, तो ये हमने यहाँ पे बता दी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, फिर फी नेचर बताने के बाद अगर वो मंथली फीस है, ठीक है ना, तो वो तो जो रिसीव करेगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर फी नेचर वो मंथली बताता है तो कौन से मंथ के लिए है, और अगर वो बताना लाजमी है तो यहाँ पे मंथ्स भी डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि भाई अगर हम यहाँ लिखते हैं फोर मंथ, कौन से महीने की है ये, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई जनवरी की, फरवरी की, बातों का ऐसा होता है कि भाई बच्चे ने फीस एडवांस में दे दी, चलिए मैं 3 महीने की फीस दे रहा हूँ, बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कहीं पे ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए रिसिप्ट में तो वो एंट्री करनी पड़ेगी ना कि भाई ये जनवरी की भी हो गई, फरवरी की भी हो गई, मार्च की भी हो गई। तो बाज़ों का ऐसा हो जाता है कि भाई अब उसने 2 महीने से फीस पे नहीं की है और 3rd महीने में फीस पे कर रहा है वो, तो उसने कहा कि सर ये मेरे पिछले 2 महीने की फीस है, तो उस पर और जो डेट है वो तो इस महीने की आएगी लेकिन रिसीविंग तो पिछले 2 महीने की होगी ना, तो उन महीनों के नाम मेंशन, फॉर 4 मंथ्स इस पे लिखा जाता है कि कौन द फॉर द मंथ्स या मंथ्स फोर, इसको लिख देते हैं मंथ्स फोर, कौन से मंथ्स की ये दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आता है अमाउंट, कितना पे किया जा रहा है, तो इसकी टाइप में करेंसी कर देते हैं। और फिर आगे लिया जाता है रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय किसने लिए फीस, उसका एंट्री यहाँ की जाएगी।
एक फी रजिस्टर के अंदर ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर ये नहीं है उसके अंदर तो वो फीस का रिकॉर्ड ट्रैक नहीं हो पाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसमें डेटा डालेंगे तो मैं फिर से आपको इसका एक फॉर्म बना के बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ डेटा नहीं डाल रहे, ठीक है। और मैंने इस पर भी एक मिस्टेक की है कि स्पेस, नामों में स्पेस दे दिया है, तो स्पेस नहीं देना। क्लिक करके यहाँ से फी रजिस्टर पे क्रिएट करेंगे और यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म बन गया और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। और फी एंट्री फॉर्म, ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब फॉर्मेट वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ओके, तो भाई कैसे डेटा डालेंगे, पहला मसला इसके अंदर ये है कि डेट ऑफ रिसीविंग। अच्छा, अब एक और बात क्या भाई, डेट ऑफ रिसीविंग तो भाई डेट तो इसमें खुद ही आ जानी चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक तरीका है, वो मैं उसमें बताना भूल गया। राइट बटन दबाएंगे, फिर रजिस्टर के डिजाइन व्यू में जाएंगे, डेट में जहाँ भी आप चाहते हैं डेट की फील्ड में खुद से डेट आ जाए तो उस फील्ड पे क्लिक करें, नीचे आइए डिफॉल्ट वैल्यू इस पर आइए, यहाँ जो टाइप कर देंगे वो पहले से लिखा आएगा। एक फंक्शन है डेट जो आपने एक्सेल में ही पढ़ा था, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे विद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ, एंड देन सेव कर देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटो एक फी एंट्री में जाएंगे और अब आप देखेंगे खुद से करंट डेट को ये जनरेट कर दिया करेगा, सही है। ये चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है कि भाई अब इसको आपने याद करने की जरूरत नहीं। और जब अगर आप चाहें कि भाई मैं खुद से भी इसके अंदर एंट्री कर लूँ तो ये यहाँ से भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब आते हैं कि भाई फीस किसने दी। फीस देने के लिए तो पहले हमें देखना होगा अपना, कल रिपोर्ट्स बनाई थी ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट की, हमारे पास कितने बच्चे एनरोल हैं, हमारे पास मोहम्मद आमिर है, आशिफ अहमद रजा है, नताशा अली है और इनके रोल नंबर है, ठीक है। तो हमने कहा भाई फीस दी है मोहम्मद आमिर ने, ओके। तो अब कैसे एंट्री करेंगे देखिएगा, फी एंट्री में गए तो रोल नंबर सबसे पहले लिखेंगे, तो रोल नंबर क्या है उसका 1001, तो भाई आपने गए यहाँ पे जाके लिखा 1001, ठीक है, हो गया एक्सेप्टेड। ओके, स्टूडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद आमिर, लिखिए जी मोहम्मद आमिर, सही है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके अब्बा का नाम मोहम्मद नासिर, और क्लास इन एडमिटेड कौन सी क्लास है, फिर जाके देखो उसके अंदर कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई, पढ़ता भी नहीं पढ़ता, नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जाके लिखेंगे फी नेचर क्या है भाई, अब इसने एडमिशन फीस पे की है एडमिशन, और फिर जाके मंथ फोर ये इसने भाई कौन से महीने में एडमिशन किया, कौन से डेट का एडमिशन, 3 जनवरी, नहीं तो डेट पढ़ते 19 नवंबर, तो भाई ये इसने फीस भी नवंबर के महीने की पे रखी होगी, तो यहाँ पे हम लेंगे नवंबर 2024, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ठीक है, 2500 रुपये उसने नहीं एडमिशन फीस, तो ठीक इस पर रख दिए इस तरह से। अब किसने ली उसको, तो भाई अब जिसने ली, राशिद ने ली या कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है या कोई एडमिन है या अकाउंटेंट है, किसने ली उसका नाम यहाँ पे लीजिए, भाई एडमिन ने ही रिसीव की उसकी आईडी से। तो ये हमने कंट्रोल एस कर दिया, ये बन गई इसकी फीस की एंट्री, आसान है, आसान लग रही है, फिर तो बहुत मुश्किल लग रही है भाई, मुश्किल है ना भाई। ये तो अभी 4 बच्चे हैं बार बार जाके देख रहे हैं, अब अगर ये 400 बच्चे हुए, 40 बच्चे हुए, तो क्या एक एक का जाके नाम लेंगे, फिर इसमें भी वही मसला आएगा। तो इसका सलूशन ये है कि इस तरह से अगर हमने काम करना है तो ये तरीका हो गया हमारा फ्लॉप। अब इसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल को, ये काम तो एक्सेल पे भी कर लेते तो अच्छा हो जाता। अब हम फीस रजिस्टर को दोबारा खोलेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और वो देखेंगे कि कौन सी फील्ड का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए डेट ऑफ रिसीविंग ऑटो हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं एंट्री नहीं होगी। स्टूडेंट रोल नंबर में लिख क्यों रहा हूँ, मेरे पास है ना, कहाँ है,
जी आर रजिस्टर में है, स्टूडेंट नेम भी उसमें, उसका बाप का नाम भी उसमें है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं इसको लिखने के बाद लिख के अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? ठीक है, तो अब क्या करें, इस डेटा को वहाँ से क्या करेंगे, फेच करेंगे। अब फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए लॉजिक है कि किस तरह से फेच किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे फेच करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, लुकअप विजार्ड करेंगे, और यहाँ से हम कहेंगे हमें डेटा चाहिए कहाँ से, जी आर रजिस्टर के इस फील्ड में से जिसका नाम है, नहीं अभी हमें इसका रोल नंबर चाहिए या जी आर नंबर चाहिए, खाले रोल नंबर लेंगे, जी आर नंबर नहीं ले रहे। ठीक है, अगर जी आर लेना तो जी आर ले लें, फिर रोल नंबर नहीं लेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट करेंगे, एंड देन फिनिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है, भी वो बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब स्टूडेंट का नाम लेना है तो लुकअप विजिट करेंगे, फिर यहाँ से आई वॉन्ट टू लुकअप करेंगे, अब यहाँ से जाके हम उसका लेंगे दोबारा से जी आर रजिस्टर, स्टूडेंट का नाम लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से जाके उसको फिनिश। फादर से भी बेसिक करेंगे, क्लास इन विच एडमिटेड, इसका डेटा भी हमारे पास है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं कंट्रोल एस सी नेचर, और होम में चले जाते हैं, यहाँ से डिज़ाइन व्यू कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी नेचर आईडी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सी नेचर नेम, सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मंथ्स फोर, अब इसमें भी महीने ऐड कराने के लिए ऐड करेंगे यहाँ से क्या चीज, क्रिएट एक नया टेबल बनाएंगे, सेव करेंगे मंथ्स फोर के नाम से, ओके, और इसको भी होम में जाके डिजाइन में क्लिक करेंगे, मंथ्स फोर आईडी, मंथ्स फोर नेम, सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, अमाउंट रिसीवर, रिसीवर टू टेबल, सेव सी रिसीवर फिर रिसीवर, और यहाँ जाके उसकी भी राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाएंगे, सी रिसीवर आईडी received by word name, okay, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे भाई, फी नेचर खोला, okay, यानी खोलेंगे भी इसको, इसके फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म एड न्यू फी नेचर फॉर्म, क्रिएट फॉर्म, एड न्यू फी रिसीवर, एड न्यू मंथ्स फोर, और तो कोई नहीं रह गया। अब इसके साथ उनको लुकअप करेंगे, कैसे करेंगे,
सी नेचर वाले को करेंगे लुक ऑफ विजर्ड, आई वांट लुक ऑफ फील्ड अदर टेबल, टेबल आ रहा हुआ यहाँ पे सी नेचर नेम, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश। For each month for name, next next name then fish. Amount received by click. Look of wizard. Next. Fee receiver. Fee receiver name. Next next. Next and then finish. अब क्या करेंगे, पहले उनके अंदर कुछ डेटा डाल लेते हैं, जैसे कि एड फीस नेचर। तो भाई अब ये तो एक्टिविटी होती रहेंगी, तो एडमिशन फीस होती है हमारी, कंट्रोल एस न्यू, तो आप मैग्नीफायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो एडमिशन फीस होती है, मंथली फीस होती है, ठीक है सेफ। और कौन सी होती है, इनरोलमेंट फीस होती है। सारी फीस हम यहाँ पे बयान कर देंगे, मैं तीन लिख रहा हूँ, बाद में ऑडिट कर लेंगे क्योंकि एडमिशन पे काम करना है। रिसीव बाय में कौन कौन लोग हैं जो ये फीस रिसीव करेंगे, उनके नाम टाइम टू टाइम ऐड करा सकते हैं। अकाउंटेंट रखा था, रिप्लेस हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, उसका नाम लिख देते हैं। सपोज भाई ये रिसीव करी है, सपोज टू बी राशिद ने, उसका नाम ऐड करा दिया। फिर ऐड किए किसी ने, एक और रखा अकाउंटेंट काशिफ नाम का, वो ऐड कर रहा है, उसको ऐड करा दिया। तो ये दो बंदे हैं जो भी फीस रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू मंथ फॉर, अभी मंथ जैसे स्टार्ट किया हमने नवंबर 2024 न्यू, इसके बाद कौन सा आएगा दिसंबर 2024, उसके बाद कौन सा नया आएगा जनवरी 2025। मतलब हर महीने जब फीस रिसीविंग का टाइम आएगा तो वो महीना ऐड करा दिया जाएगा एक बार, और वो पॉपुलेट हो जाएगा हमारे कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है जी। ये हो गया सारा काम। अब बनाएंगे फीस रजिस्टर का फॉर्म। फी रजिस्टर का फॉर्म बनाने के लिए हमने क्लिक किया इस पे, क्रिएट में गए, फॉर्म विजर्ड पे क्लिक किया, और यहाँ से सारी फील्ड्स को मोस्ट वेलकम कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे कॉलिमर टेबल में सही रहेगा या टेबुलर फॉर्म में, कॉलिमर में सही रहेगा, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं न्यू फी एंट्री फॉर्म, ये हमारा फॉर्म सही। अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा, रसीद नंबर इसने जनरेट कर लिया है, ऑटोमेटिकली रोल नंबर 1 दे रहा है ये, यहाँ पे से हम कोई भी रोल नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने एडमिशन हुए सबके रोल नंबर आ रहे हैं। अब आपके लिए एक मुश्किल होगी इसके अंदर, और वो मुश्किल क्या है मैं समझा देता हूँ। मुश्किल अभी भी है, लेकिन हमने आधा काम आसान कर लिया है, एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है देखें, अभी भी आपको ये खोलना पड़ेगा। सिर्फ काम क्या आसान हुआ कि अब आपको डेटा लिखना नहीं पड़ रहा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगी। सपोज इसने अगर फीस दी है मोहम्मद आमिर ने, तो इसका रोल नंबर 1 है, आप गए यहाँ से 1 चूज किया, डेट खुद आ गई और रोल नंबर आपने बताया 1, ओके। लेकिन रोल नंबर 1 पे कौन है वो आपको नहीं पता, मोहम्मद आमिर है, क्लिक करा यहाँ पे और यहाँ से मोहम्मद आमिर को ले लिया। अब इसके अब्बू का नाम भी आपको नहीं पता, तो आपने यहाँ जाके देखा मोहम्मद नासिर है, यहाँ क्लिक करके मोहम्मद नासिर को भी। अब ये नहीं पता कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आपने यहाँ पे जाके देखा मैं 9th क्लास में एडमिटेड है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया 9th क्लास का ले लिया। ग्यारह बारह की एंट्री कहाँ हुई भी? कोई और फील हमने वहाँ पे कनेक्ट कर दी, 11-12 की तो कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर। चले कोई बात नहीं, अगर ऐसा कभी मिसहैप हो जाए तो सेव कर ले, फीस रजिस्टर में दोबारा चले जाए। इसको ओपन करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी यही दिखा रहा है, इसको डिजाइन व्यू में ले जाए। अब जब डिजाइन रूम में लेके जाए तो पहले इसके फॉर्म्स को बंद कर दें, ताकि वो डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा देते हैं एडमिटेड लुक ऑफ द शर्ट,
ओके, बड़ा मसला हो गया है। तो फील्ड के नाम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और एक नई फील्ड को ऐड करा लेते हैं। हल्के बनते भी खोलना पड़ेगा। ओके, तो अभी कह रहा है कि ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे एक फील्ड ऐड कराते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अभी कह रहा है इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये फील्ड जो है क्लास एडमिटेड, इट इज पार्ट ऑफ वन और मोर रिलेशनशिप। इफ यू विश विश टू वांट टू डिलीट दिस फील्ड, फर्स्ट डिलीट इट्स रिलेशन इन द रिलेशनशिप विंडो। ये नया पंगा खड़ा कर दिया इसमें। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपनी रो जो ब्लैंक ऐड की थी इसको डिलीट करते हैं, इसको सेव करते हैं। जब कोई ऐसी फील्ड डिलीट करनी हो जिसका रिलेशन पहले से क्रिएटेड है, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस टूल्स में, सब कुछ बंद करके रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे देखिए इसका कौन सी फील्ड के साथ इसका रिलेशन बना हुआ है। तो वो फील्ड जो है फीस रजिस्टर में है, तो पहले ढूंढे फी रजिस्टर क्या है हमारा। ये रहा फी रजिस्टर। फी रजिस्टर का रिलेशन किसके साथ है, फील्ड का नाम क्या है, क्लास एडमिटेड, ये वाली फील्ड है। तो इसका रिलेशन बन रहा है कहाँ जाके, जी आर रजिस्टर से। ये रहा जी आर रजिस्टर, ठीक है। और जी आर रजिस्टर को आपने इसको ऐसे किया, अब यहां से ये रिलेशनशिप इसके साथ बन रहा है। बल्कि रिलेशनशिप ये जा रहा है कहीं और, क्लास एडमिटेड वाला कहाँ है, पर आ रहा होता तो शायद ये है रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ तो पता नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये रखते हैं और एक IDS है, ये वाला कनेक्शन सिलेक्ट करता हूँ जो कि GR रजिस्टर 3 के अंदर जाके कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला कनेक्शन। और इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन डिस्कनेक्ट हो गया, सेव कर दें, यहाँ से क्लोज कर दें। यहाँ जाइए, अब ट्राई कीजिए फी रजिस्टर। ठीक है, यहाँ जाइए, इंसर्ट रो कीजिए और दोबारा से क्लास की एंट्री को ले लीजिए। अच्छा, क्लास की एंट्री हम फी रजिस्टर से भी ले सकते हैं और क्लास का अलग से भी तो टेबल बनाया हुआ है ना, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमने क्लास के टेबल से ले लेते हैं इस दफा। ओके, ठीक है, हो गया कंप्लीट, अपडेट हो गया। यहाँ पे जाके देखिए अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने सिखाया था आपको लेआउट, क्लिक करेंगे बैकस्पेस और क्लास, ठीक है, ऐड हो गया। फॉर्म व्यू में खोल ले, ये देखिए सही। तो मैं ये बता रहा था कि वो अभी कौन सी क्लास में एडमिटेड है, देख लेते हैं, 9th क्लास में एडमिटेड है। तो यहाँ से हमने लिया फी नेचर, अब फी नेचर की फील्ड भी अपडेट नहीं हुई, ठीक है, तो उसको भी टेबल से अपडेट करके लाना होगा। तो पहले जाके टेबल में देखते हैं, फी रजिस्टर में फी नेचर की फील्ड अपडेट हुई है, यहाँ तो अपडेट हुई है पर वहाँ पे वो नहीं दिखा रहा।
ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी हम बंद कर देते हैं यहाँ से। दोबारा जाते हैं यहाँ पे फी नेचर पर, लेआउट में जाते हैं, फी नेचर क्लिक बैक स्पेस, फी नेचर क्लिक ऐड, मंथ फॉर भी ऐड नहीं हुई है, बैक स्पेस मंथ फॉर ऐड, रिसीव्ड बाय भी अपडेट नहीं हुई है, ऐड, ठीक है ऐड हो गई सारी फील्ड्स। फॉर्म व्यू पे चले जाते हैं दोबारा से, तो फी नेचर ले ली भाई एडमिशन फीस है। अब इसमें अब यहाँ पे ख्याल करना है कि अगर एडमिशन फीस है तो वो किसी मंथ की तो नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये फिर ना हो, तो उसके लिए हम खोलेंगे अपना एड यू मंथ फॉर, और उसमें एक फील्ड शुरू में ही ऐड करानी थी लेकिन हमने ऐड नहीं कराई, लेकिन मैं अब अपडेट कर लेता हूँ पहले पे, वो हम ऐड कराएंगे एनी नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये फील्ड एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड पे हम ऐड करा रहे थे नवंबर 2024, थर्ड पर हम ऐड करा लेते हैं दिसंबर 2024, और यहाँ पर ले लेते हैं हम मिसाल के तौर पे जनवरी 2025, इस तरह से कुछ काम कर लिया। अब यहाँ पर वो अपडेट हो गया होगा भाई, एडमिशन फीस है तो मंथली तो नहीं है ना, तो एनए लिखेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे फीस अमाउंट जो हमने लिख दिया 3,500, और यहाँ पे उसको रिसीव किया राशन में से। अब दूसरी रसीद इसने मंथली फीस पे ही करी, तो यहाँ से हमने दोबारा से न्यू किया, और इसके लिए बटन भी बना लेंगे। अब रोल नंबर वाली फील्ड अपडेट नहीं हुई यहाँ पे, कौन सा वाला फॉर्म खोल दिया मैंने, चलो ठीक है खोल दिया तो खोल दिया, स्टूडेंट नेम फादर्स नेम, ये पहले वाला खोल दिया। इसके अंदर डिज़ाइन व्यू में जाके लेआउट पे चले जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाली फील्ड भी अपडेट नहीं हुई इसके अंदर, तो यहाँ क्लिक करके स्टूडेंट नेम वाले पे इसको ऐड करा देते हैं, और रोल नंबर वाले पे स्टूडेंट रोल नंबर ऐड करा देते हैं, फादर्स नेम पे फादर्स नेम को ऐड करा देते हैं, बाकी तो अपडेट ठीक है। फॉर्म व्यू पे ले आते, अब ये यहाँ से हमने किया न्यू, तो न्यू करके यहाँ पे क्लिक किया, रोल नंबर आ गया भाई, अब इसी वाले ने दिया है, इसका नाम क्या था, मोहम्मद आमिर, इसके अब्बू का नाम मोहम्मद आसिर, ठीक है, और उसके बाद इसका क्लास कौन सा था, 9th, और अब इसने फीस दी मंथली, कौन से महीने के लिए दी, नवंबर 2024 के लिए, कितनी फीस दी, 2,500, किसने रिसीव करी, ये भी राशिद ने रिसीव करी, सही है। अब आसान हो गया काम, पहले से आसान हो गया, ठीक है, डेटा जा रहा है ये इसके अंदर, फी रजिस्टर का डेटा फी रजिस्टर में रसीद नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से हर आ रहा है वीआईपी नंबर से, ठीक है। अब इसमें भी एक मसला है, अभी नहीं सिखाऊंगा, अगली क्लास में करेंगे, मसला ये है कि ये से तो सही हो रहा है काम, लेकिन देखो ना, अगरचे अगर मैं उसका रोल नंबर ले रहा हूँ तो रोल नंबर से भाई उसका नाम भी आ जाए, उसके वालिद का नाम भी आ जाए, उसकी क्लास भी आ जाए, और तीनों चीजें आ जाए, तो है ऑटोमेशन। अब ये क्या, रोल नंबर ले रहा हूँ फिर नाम ले रहा हूँ, अब जब अगर 200-250 स्टूडेंट हो गए, रोल नंबर 259 तो ले लिया, उस पर है कौन मुझे तो पता ही नहीं, फिर जाके चेक करूँ कितना टाइम लगेगा रसीद बनाने में, बस ऐसे ही हो ना, रोल नंबर 259 एंटर या सेलेक्ट करें तो वो वहीं पर ही उसका नेम फादर नेम वगैरह आ जाए, और हम रिकॉर्ड डाल के सबमिट कर दें और डेटा आ जाए, ये इसका हाँ नाम पर आ जाए, नाम सेलेक्ट करें तो रोल नंबर आ जाए उसका, तो ये चीज़ है इसके अंदर समझने की, जो एडवांस थोड़ा सा लेवल पे जाके हम करेंगे।